कई बार हम सुनते हैं संयम से काम लीजिए, संयम रखिए, संयम बरतिए। ये संयम होता क्या है? किसी भी बात का बुरा मानना, उसका गुस्सा कर लेना और आपे से बाहर हो जाना और फिर एक ऐसे रिजल्ट, एक ऐसे विषय के लिए पछताना जो आप कभी भी पहले यदि कंट्रोल कर लेते तो शायद संयम बरतते। आइए एक कहानी के जरिए मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। एक देवरानी और जेठानी में किसी बात पर जोरदार बहस हुई और दोनों में बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे का मुंह तक ना देखने की कसम खा ली और अपने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। परंतु थोड़ी देर बाद जेठानी के कमरे के दरवाजे पर खटखट की आहट हुई। जेठानी तनिक ऊंची आवाज में बोली, कौन है? बाहर से आवाज आई, दीदी मैं। जेठानी ने जोर से दरवाजा खोला और बोली, अभी तो बड़ी कसमें खाकर गई थी, अब यहां क्यों आई हो? देवरानी ने कहा, दीदी सोचकर तो वही गई थी, परंतु मां की कही एक बात याद आ गई कि जब कभी किसी से कुछ कहा सुनी हो जाए तो उसकी अच्छाइयों को याद करो। और मैंने भी वही किया और मुझे आपका दिया हुआ प्यार ही प्यार याद आया और मैं आपके लिए चाय बनाकर यहां तक आ गई। बस फिर क्या था, दोनों रोते रोते एक दूसरे के गले लग गई और साथ में बैठकर चाय पीने लगी। जीवन में क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता, बोध से जीता जा सकता है। अग्नि अग्नि से नहीं बुझती, जल से बुझती है। समझदार व्यक्ति बड़ी से बड़ी बिगड़ती स्थितियों को दो शब्द प्रेम के बोलकर संभाल लेते हैं। हर स्थिति में संयम और बड़ा दिल रखना ही श्रेष्ठ है। याद रखिएगा कि बात किसी व्यक्ति की बुरी हो सकती, व्यक्ति बुरा नहीं हो सकता। और यदि व्यक्ति आपके लिए श्रेष्ठ है तो फिर बातों को नजरअंदाज करना सीखिए, संयम बरतिए और अपने मानसिक स्थिति को हमेशा हमेशा शांत रखिए। धन्यवाद।